नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। और वैकेंसी भी ऐसी नहीं है, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 40,000 के करीब वैकेंसी आपकी आई है। पिछली बार आपने देखा था 25,000 वैकेंसी आई थी और वो बाद में बढ़ के 50,000 हुई थी। जब आपने फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिए, उसके बाद बढ़ के वो वैकेंसी आपकी 50,000 हुई थी। इस बार पहले ही आपकी 40,000 वैकेंसी आई है, तो बहुत बढ़िया मौका है। जो भी बच्चे मन लगा के तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सिलेक्शन पाने का, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ से देखेंगे तो आगे 4 महीने का समय बचता है, क्योंकि पेपर अब फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, पहले से आपका पेपर का डेट कंफर्म था कि जनवरी या फरवरी में आपका पेपर होगा, जनवरी फरवरी में होगा। तो यहाँ से 4 महीना समय है। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या पूछा जाता है, फिजिकल एग्जाम कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरते हैं, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस 4 महीने में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो आपको पता है एसएससी मेकर पर जब हम लोग पढ़ाते हैं लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे लिमिटेड चीज़ें पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें फौजी बैच का आपका क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि एसएससी के वेबसाइट पर आप लोग देखेंगे तो आपका फॉर्म आ चुका है, ठीक। ये फॉर्म आपका 5 तारीख से लेके और 14 तारीख तक भरा जाएगा, 14 अक्टूबर तक भरा जाना है, यानी 1 महीने से ज़्यादा समय आपको दिया गया है। 1 महीने से ज़्यादा समय हो चाहे कुछ भी हो, अपने को फॉर्म पहले वीक या दूसरे वीक में पहले 5 से 10 दिन के अंदर भरना है, ठीक है। आजकल में मत भरिए, आप एक बार अजय सर की वीडियो देख लीजिए कि कैसे फॉर्म भरना है, ठीक। उसके बाद सारे स्टेप्स को देखते हुए आप आराम से बढ़िया से फॉर्म को भरिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। भले आपको करेक्शन का समय दिया जाता है, लेकिन हम अगर कोई गलती ना छोड़े तो वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि गलती छोड़ देंगे फिर से करेक्शन के लिए जाएंगे, करेक्शन में हो सकता है वहां पे भी गलती कर दे, ठीक है। तो गलती से बचना है, एकदम सतर्क होकर ध्यान से अपने फॉर्म को भरना है, ठीक। आप किसी से फॉर्म को भरवाएंगे भी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हर एक डिटेल को खुद चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर साइबर कैफे भरवाते हैं, आपका नाम भरता है, आयु भरता है, डेट ऑफ बर्थ भरता है, तो उसके भरने के बाद आप उसको खुद चेक करेंगे ताकि कहीं गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि यहां पर ये एरर हो गया है, ठीक। आपके नंबर आए बहुत अच्छे, आपके सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन एरर की वजह से बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये शुरू से इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई गलती आपकी ना हो, ठीक। आपका करेक्शन का भी विंडो यहां पर खुलेगा 5/11 से लेकर 7/11 नवंबर के महीने में, लेकिन करेक्शन का चांस अगर गलती से गलती हो जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने तरफ से पूरा एकदम केयरफुल रहना है, ठीक है। जैसे आपको पहले भी पता था जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। तो जनवरी में एग्जाम होगा तो हम मान के चलेंगे 1 जनवरी से आपका एग्जाम होगा, ये सोच के हमारी तैयारी यहां पर रहेगी, ठीक। अच्छा, अब आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका जो एसएससी जीडी है, इसमें आप कई सारे फोर्सेस में आपका सिलेक्शन होता है, कांस्टेबल के पोस्ट में, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, ये सारे पोस्ट आपके हैं। आपके नंबर के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको पोस्ट अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार जो आपकी निकल के आ रही है ये आपका बीएसएफ में, ये चेंज होता रहता है। जैसे लास्ट टाइम आपका सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, इस बार बीएसएफ में है, बीएसएफ के बाद देखेंगे तो सीआरपीएफ में है, ठीक है। इसके साथ इसके बाद सीआईएसएफ में भी, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सीआईएसएफ में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, एसएसबी में आपका वैकेंसी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसएफ है और आपका एनसीबी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी भरने का ऑप्शन आता है कि आप कौन से पोस्ट को चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं ना, कई बच्चों के अंदर होता है कि मुझे बीएसएफ चाहिए, कई बच्चों के अंदर होता है कि मुझे सीआईएसएफ चाहिए। जब फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन होता है, तो लास्ट में लगता है कि सर मैं तो असम का रहने वाला हूं, मैं तो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं, अगर मैं असम राइफल भरा होता तो मेरे लिए बहुत आसान था, मैं तो घर में रह के ड्यूटी कर लेता, ठीक है। जो नेपाल बॉर्डर के बच्चे हैं उनको लगता है कि सर अगर एसएसएफ भरे, एसएसबी भर दिए होते तो बहुत बेहतर था, अपने घर के आसपास नौकरी करते, ठीक है। तो जब ये पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग भरेंगे, जो कि फॉर्म में ही भरा जाता है, तो इससे पहले एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, ठीक। अजय सर की अभी आपकी वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारे डिटेल दिए जाएंगे। उसके बाद ही आप
इस फॉर्म को भरिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 5 से 10 दिन में भर दीजिएगा, लेकिन आज कल में मत भरिएगा, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी है, मेल फीमेल सब मिला के देखेंगे तो आपके पास 39,481 वैकेंसी है, अप्रॉक्स 40,000 से 519 वैकेंसी कम है, ठीक है, 40,000 के आसपास ही मान के चलिए, ठीक। तो बहुत बड़ा मौका है, बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो आज से लेके अगले 4 महीने तक लगातार मेहनत करेगा, ठीक। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मेहनत के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो तो रिकॉर्डेड है, लाइव कमेंट तो आप लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एज की बात करूं तो जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है ना, इसमें 18 से 23 साल का एज आपको चाहिए होता है, ठीक। अगर मैं डेट की बात करूं कि सर मेरा इस डेट को है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 2/1/2002 के बाद, ठीक, और 1/1/2007 से पहले, इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो एज क्राइटेरिया है ये आपका है किसके लिए, ये है आपका जनरल के लिए, ठीक। इसके बाद से कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं, एससी एसटी को 5 साल। तो 5 साल कैसे, अब 2002 में से 5 घटा लीजिएगा, ठीक है, 2002 में से 5 घटा लीजिएगा, तो जैसे 2/1/1997 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेके और यहां तक आपके वो एससी एसटी वाले बच्चे भर सकते हैं। 2002 में से 3 घटा लीजिएगा तो 1999 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक से 2/1/1999 से 1/1/2007 तक क्या होगा, आपके ओबीसी वाले बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एज की छूट भी मिलती है, कांस्टेबल की वैकेंसी है तो इसमें क्या होता है, यंग एज पे ही आपको भर्ती लिया जाता है, ठीक है। तो यंग एज यानी 18 से 23 साल, 30 साल के तो बच्चे अब इसमें आएंगे नहीं, बाकी और भी आपको एक्स सर्विसमैन का मिलता है, कई सारी चीजें हैं और भी आपको रिजर्वेशन यहां पर एज से रिलेटेड दिए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एज वाला क्राइटेरिया आपका क्लियर होगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन इसमें बहुत कम, यानी कि 10th पास, ठीक। जनरली देखा जाता है कि हर एक बच्चा गांव का हो शहर का हो 10th पास वो रहता है, ठीक। और 10th पास अगर आप हैं, अगर 10th पास कर चुके हैं और आपके पास 1/1/2025 से पहले कहा गया है 10th पास करने के लिए, तो आपके हमारे यहाँ तो जो पेपर होते हैं मार्च अप्रैल में होते हैं, यानी इस साल जिस बच्चों ने 10th पास कर लिया है, 18 साल से ज़्यादा उम्र है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन हो गया आपका कितना, 10th पास, और एज कितना हो गया 18 से 23, रिलैक्सेशन लगा लीजिएगा तो 26 और 28 साल भी आपका हो जाएगा एससी एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो एनसीसी वाले बच्चों को भी यहां पर कुछ आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, 5% नंबर दिया जाता है जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी करते हैं तो उसमें ए बी सी सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। जैसे आपके मान लीजिए 140 नंबर आए, ठीक है, और 5% का मतलब होता है 8 नंबर, ठीक। तो 140 नंबर आते हैं ना, तो आपके नंबर में 8 नंबर जोड़ दिया जाता है और ये बढ़ के 148 हो जाता है, ठीक। इसका फायदा आपको मेरिट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनसीसी वाले बहुत बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे तो एनसीसी के नहीं होते हैं, लेकिन जो भी बच्चे होते हैं उनको इस एनसीसी का फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो एनसीसी का फायदा भी आपको मिलने वाला है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अपने को देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फीस, कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, मात्र 100 रुपया। 100 रुपया में फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर आप महिलाएं हैं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 0 है, ठीक है। तो जो महिला है एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो तो कम से कम को भर दीजिएगा, फ्री का फॉर्म है आराम से, लेकिन ऐसा मत समझिएगा फ्री का फॉर्म भर दिए हैं तो पढ़ना नहीं है, पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 60 मिनट में आपको रीजनिंग करना है, जीएस करना है, मैथ्स करना है, इंग्लिश हिंदी में से एक चॉइस रहेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में से कुछ नहीं आता है तो हिंदी को चूज करिएगा, ठीक है। ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है तो हिंदी के साथ जाइएगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश पे पकड़ है तो इंग्लिश के साथ जाइएगा, और हिंदी आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर एक सेक्शन में, और ये 2 नंबर का होगा तो 40 नंबर आपका बनता है, ठीक है। और ऐसे करके 4 हो गए तो 4 मिला के 4 चौके 16, 160 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा और 60 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। अब यहां पर इस बार अगर आप देखेंगे तो यूपी का जो आपका कट ऑफ था 139 के आसपास था, 139 या 140 कह लीजिए, 140 के आसपास कट ऑफ गया था। यूपी का रीजन था, राजस्थान था, हरियाणा था, दिल्ली, यहां पे कट ऑफ बहुत आई थे, ठीक। तो इसके लिए सर अब क्या करें कि 140 के आसपास नंबर जाए, पढ़ाई तो सबको करना है, कैसे पढ़ें सर, 4 महीने का समय है, 4-4 सब्जेक्ट आपके पास है। तो इसमें देखिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। मैं खुद सीजीएल में सेलेक्टेड हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं,
लिमिटेड कंटेंट कहाँ से पढ़ लें कि ये कंटेंट है ये जीडी में आएगा। देखिए एसएससी मेकर जो आपका है, हम लोग बहुत सालों से तैयारी करा रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी आपको कराते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछिएगा एसएससी मेकर और एसएससी जीडी के बारे में आपको बता देगा, ठीक है। तो लिमिटेड कंटेंट में आपका सिलेक्शन कैसे कराना है हमसे बेहतर किसी को नहीं पता है, ठीक। तो आप सारे बच्चे ये सारी की सारी चीजें, हाँ एक चीज आपसे डिमांड करूंगा मैं कि इसमें पूरा का पूरा 4 महीना आपका चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा 4 महीना। देखिए इसमें क्या है ना, जो आपका रीजनिंग है और जो आपका हिंदी है, रीजनिंग आपका 1.5 महीने में खत्म हो जाता है, ठीक, हिंदी भी आपका 1.5 महीने में खत्म हो जाता है, मैथ्स आपका 2.5 महीने चलता है और जीएस आपका ढाई, ये दो चीज 2.5 महीने चलते हैं, ठीक है, 2.5-3 ऐसे चलते हैं, ठीक है। लेकिन 4 महीने का समय है, इसका मतलब ऐसा है कि 1.5 महीने के बाद भी कोर्स से जुड़ेंगे, चाहे पढ़ाई शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना कि 1.5 महीना 2.5 महीना में हम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस कराना होता है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कराया जाता है, मॉक टेस्ट से कहीं सेक्शन में दिक्कत हो तो मिनी मॉक टेस्ट लगाया जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो उसमें फिर से नंबर गेन करना मुश्किल हो जाता है। जानकारी तो सब होती है लेकिन 60 मिनट के अंदर चीजों को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो बस ये लास्ट का समय प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं, 1 जनवरी मान के चल रहे हैं, अगर डेट आगे बढ़ गया, मान लीजिए 15 जनवरी से पेपर शुरू हुआ, 15 दिन और मिलेगा और 140 कट ऑफ लगे चाहे 145, आप 4 महीना हमको देंगे, रोज आपको जितना बताया जाएगा उतना पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन 100% यहां पर होने वाला है, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस होंगी, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी जो चलेंगी, मैं आपको बता दूं कि हमारा एक बहुत ही फेमस बैच है, जैसे ये आपका सिलेबस है, सिलेबस एसएससी मेकर के ऐप पर आपका पड़ा हुआ है, एसएससी मेकर का ऐप खोलेंगे वहां पर एक सिलेबस का सेक्शन आता है, ठीक है, उसी सिलेबस के सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तैयारी होगी कहां से, ये 4 महीने तैयारी के लिए आपको बस इस फौजी बैच से जुड़ना है, ठीक है। ये कंप्लीट बैच आपको 399 में दिया जा रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि हमें यहां पर बैच का प्रमोशन चाहे कुछ भी। देखिए ऐप पर क्लासों को देना ना बहुत आसान हो जाता है, यूट्यूब पर कई सारी चीज़ें होती हैं, कई तरह के प्लेलिस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐप पर ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। यूट्यूब पर आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं, पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐप पर आपकी हो जाती हैं, एक क्रम में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, तो पढ़ने में भी आसानी रहती है। आपको पता है पहले ये पढ़ना है, दूसरे नंबर पर ये पढ़ना है, तीसरे नंबर पर ये पढ़ना है और ये क्वेश्चन लगाना है, ऐसे क्वेश्चन लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं, ठीक। फिर से वो ऐप है, मेंटेनेंस है, तो सबसे सस्ता एसएससी जीडी का आप जहां भी कोर्स कहीं भी देख लीजिए, ये आपका कोर्स सबसे सस्ता आपको देखने को मिलेगा। डेली लाइव क्लास होंगी, आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, हर एक चीज बेहतर ढंग से यहां पर चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10 सितंबर तक ये आपका ऑफर है, 10 सितंबर तक आपको 399 में मिलेगा, उसके बाद इसकी प्राइसेस आपकी यहां पर बढ़ेंगी, ठीक है। तो उससे पहले जुड़ जाइएगा, और 10 सितंबर क्यों, आपकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने वाली हैं, मंडे से पहले जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर क्लास का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो पहले दिन से आप क्लास में आइएगा, पहले दिन से क्लास में आना है, पहले दिन से नोट्स बनाना है, जो भी क्वेश्चन मिले उसको अच्छे से सॉल्व करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 40,000 पोस्ट देखने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, बहुत से बच्चे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, पहले दिन से लग जाते हैं, कुछ बच्चे तो 1-2 महीना पहले से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, उनसे आपको कंपटीशन करना होता है, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो 140 नंबर लेके बैठ जाते हैं आपके पेपर में, ठीक। 140 नंबर के ऊपर मुझे लग रहा है 11-12 हज़ार बच्चे रहे होंगे यूपी से, ठीक है। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। अदर स्टेट्स में कट ऑफ कम होती है, जैसे कई कई 110 भी जाता है, कहीं 100 नंबर भी रहता है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगती है। अच्छा, पेपर पास हो गया, पेपर पास होंगे तो आपको फिजिकल देने जाना होगा, ठीक। वहां पर आपसे दौड़ कराई जाएगी, 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में करना होगा अगर आप मेल हैं तो, और फीमेल हैं तो फीमेल के लिए आपको यहां पर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक। तो मेल है 5 किलोमीटर, कांस्टेबल एग्जाम में जनरली आप कोई भी कांस्टेबल एग्जाम देंगे तो वहां पर 5 किलोमीटर की दौड़ आपसे कराई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, आप कांस्टेबल बनना है तो हाइट मैटर करेगा, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ कैटेगरी जैसे एसटी कैटेगरी को यहां पर 162.5 और फीमेल को 150, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं तो 157 और
फीमेल के लिए 147.5 आपकी हाइट यहां पर होनी चाहिए। ये आपका हाइट का क्राइटेरिया था। चेस्ट आपका मेजर किया जाता है। देखिए हाइट आपका हो सकता है ना बढ़े, लेकिन चेस्ट अगर आपका कम है, जैसे बच्चे होते हैं तो 18 साल 19 साल की एज में उनका शरीर, जैसे मेरा भी शरीर देखेंगे तो ऐसा ही है, लेकिन हाँ मैं हाइट तो नहीं बढ़ा सकता हूँ लेकिन चेस्ट को बना सकता हूँ एक्सरसाइज से, ये आपका बन जाता है। ठीक है, तो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इसमें होना चाहिए, ये आराम से आपका एक्सरसाइज से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका चेस्ट का मेजरमेंट है। इसके बाद अगर जाए तो फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th का मार्कशीट है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो होता है, किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उस कैटेगरी का भी डॉक्यूमेंट आपके पास बनाया जाता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता है तो वो भी बना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पोस्ट कोड है, इसका कैसे यूज करना है ये आपको सेपरेट वीडियो में पता चल जाएगा, कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं ये आपको अजय सर की वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा। और हाँ, तैयारी के लिए आपका सबसे बेहतर, फिर से एक बार बता दूं कि एसएससी जीडी का ये जो फौजी बैच है, इससे बेहतर आपको दूसरा कोई बैच नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खुद एक बार इससे पढ़ के देखिएगा, इसके कंटेंट को एनालाइज करिएगा, आपके आसपास जो बच्चे पढ़ते होंगे उनसे एक बार पूछिएगा, उनसे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, सबसे बेहतर बैच है, इधर उधर भटकने से बेहतर है मैं आपसे कहूंगा एक बार इस क्लास को करिए और मेहनत करिए, 100% सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, इस बार हम लोग एसएससी जीडी के लिए बुक भी लेके आए हैं, लास्ट टाइम ई बुक था, बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे सर बुक लेके आइए, तो इस बार आपके पास किताबें भी होंगी और आपके पास चारों किताबें होंगी, मैथ्स की भी होगी, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस हिंदी, हर एक चीज की किताब आपके पास अवेलेबल है। ठीक, आप चाहें तो आपको लगे कि सिर्फ मुझे एक किताब की जरूरत है तो सिर्फ एक किताब भी ले सकते हैं, ये आपको एक किताब मात्र 150 की पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कॉम्बो एक साथ चारों किताबों को लेते हैं तो आपको मात्र 539 में चारों किताबें मिल जाएंगी। लेना कहाँ से है, सबसे आसान साधन है कि आप एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए और इस ऐप से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, ऐप पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपका यहाँ पर ये बुक वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारे बच्चे एकदम मन लगा के लग जाइए, आपको रोज सुबह 8:30 से मेरी क्लास चलती है मैथ्स की एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से आके जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, लिमिटेड कंटेंट और सबसे बेहतर कंटेंट देंगे, इसकी गारंटी लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन ये बता दीजिएगा, अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, क्लास में मिलते हैं, मन लगा के सारे बच्चे मेहनत करिए, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा वैकेंसी रेयर केस में आपकी आती है। ठीक है, बहुत रेयर होता है। ठीक, तो क्लास में आप सभी से मिलते हैं।